कल आप लोगों का अकाउंट्स का पेपर है, तो क्लास 11th के लिए अकाउंटिंग इक्वेशन का एक क्वेश्चन लिया है बहुत प्यारा सा, और उसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए कैसे हो रहा है सॉल्यूशन। स्टेटमेंट पढ़ते जाइए। एक कोई अंजू है जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से 80,000 और गुड्स से 50,000 से, ठीक है। उसके बाद फिर गुड्स परचेस कर रहा है 50,000 का और क्रेडिट में 30,000 का। फिर क्या है कि 57,000 का सामान जो है 33 1/3 यानी 1/3 प्रॉफिट पे बेच रहा है, 3/4 ऑफ जो पेमेंट जो है वो कैश में रिसीव हो रहा है। और फिर क्या है, 40,000 का सामान जो है 10% के लॉस में बिक रहा है और जिसमें 20,000 जो है कैश मिल जा रहा है। अब सामने सॉल्यूशन भी हो रहा है, एक्सप्लेनेशन भी हो रहा है, देखिए इसको। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल्स एसेट्स। पहला ट्रांजेक्शन है कि अंजू स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000 एंड गुड्स 50,000। तो इसके हिसाब से हमारे पास कैश आया 80,000, जिससे हमारे एसेट्स इंक्रीज हो गए। तो कैश 80,000 प्लस गुड्स लेकर आई अंजू 50,000। तो हमारा इससे हमारा स्टॉक बढ़ गया 50,000 से, और टोटल जो कैपिटल थी हमारी वो टोटल हो गई 1,30,000। पार्टिकुलर में लिख देंगे स्टार्टेड बिजनेस। स्टार्टेड बिजनेस तो सेकंड में क्या है कि अंजू ने गुड्स परचेज किया फॉर कैश 50,000 एंड क्रेडिट 30। तो जब उसने गुड्स परचेज किया तो हमने कैश पे किया होगा टोटल 50,000। तो इससे हमारा कैश जो है वो माइनस हो गया 50,000 से, और जो स्टॉक है हमारा वो टोटल 50,000 प्लस 30,000 टोटल 1,80,000 से इंक्रीज हुआ। बट यहाँ पे क्या रहे थे, जो 30,000 थे वो हमने उधारी पे लिया, तो इससे हमारे जो फर्म पे जो क्रेडिटर होंगे वो इंक्रीज हुए होंगे, तो इससे हमारी लाइबिलिटी बढ़ेगी। अब लाइबिलिटी बढ़ेगी, बढ़ा देंगे क्रेडिटर के नाम से। अब इन दोनों ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट ये हुआ, कैश आपके पास हो गया 1,00,000, कैपिटल हो गया 31 और क्रेडिटर हो गया 30 का, और इधर कैश पड़ा हुआ है 30,000 और स्टॉक हो गया 1,30,000 का। अब यहाँ पे ये जो दोनों अमाउंट है ये आपस में इक्वल है। ये तो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है कि वो इक्वल रहेगा हर स्टेप के बाद। ये था हमारा सेकंड। थर्ड में कह रहे थे उसने गुड्स जिसकी कॉस्ट थी 57,000 वो उसने बेचा एट अ प्रॉफिट ऑफ 33.3%। अब इसका जो है 3/4 अमाउंट उसने पेमेंट रिसीव किया कैश में, मतलब जो बाकी जो 1/4 है वो अभी तक रिसीव नहीं हुआ है हमें। तो जो कॉस्टिंग थी उस पर प्रॉफिट हुआ हमें इसका 1/3, तो टोटल 19,000 का हमें हुआ प्रॉफिट। अब जब हमें प्रॉफिट हुआ तो ये हमारा कैपिटल को इंक्रीज कर देगा, तो हम प्रॉफिट को कैपिटल में लिखेंगे ऐड करके। अब जो कॉस्ट थी 57,000 गुड्स की वो तो हमारे पास से चला गया, तो जो हमारा स्टॉक होगा वो 57,000 से कम हो जाएगा। अब ये कम हुआ, इसमें कह रहे थे जो 3/4 अमाउंट था इसका कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करने के बाद उसका हमें 3/4 कैश में मिल गया, तो 57,000 प्लस 19,000 का हम 3/4 निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 57,000 जो कि हमें कैश में मिला। तो इससे हमारा कैश बढ़ गया। अब इसका जो 1/4 अमाउंट है जो हमें नहीं मिला तो वो फर्म के लिए एक डेटर एज अ डेटर ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि वो हमें अभी पैसा मिलना है, हमें नहीं मिला, तो इससे हम फर्म के डेटर इंक्रीज होंगे कितने से 19,000 से। आप देखिए अभी भी ये दोनों एसेट और फर्म के कैपिटल प्लस लाइबिलिटी दोनों इक्वल ही होंगे हर केस में। अब इसमें कह रहा है जो गुड्स थे उसकी कॉस्टिंग थी 40,
उसने एट अ लॉस 10% के लॉस को उसने बेचा और उसमें से 20,000 कैश में रिसीव किया, तो 20,000 जो हमारे पास कैश आया तो उससे कैश इंक्रीज हुआ 20,000 से। अब उसको जो है इस पर 10% लॉस हुआ, अब 40,000 का 10% लॉस बोले तो 4,000। अब ये 4,000 है, ये तो हमारी इससे हमारी कैपिटल जो है वो कम हो जाएगी क्योंकि ये लॉस है फर्म के लिए, तो 4,000 कैपिटल कम हो जाएगी, माइनस हुई 4,000। अब जो इसकी कॉस्ट बची वो थी 36,000 लॉस हटा के। अब इसमें से कह रहा है 20,000 तो हमें कैश में मिल गए, अब जो बचा 16,000 वो हमें नहीं मिला, तो फॉर्म के लिए डेटर हो जाएगा तो उसको डेटर में इंक्रीज कर देंगे 16,000। और जो गुड्स थे वो तो 40,000 से चले गए, तो स्टॉक में से 40,000 माइनस कर देंगे। ये लास्ट अमाउंट भी हमारा इक्वली होगा एड अप करने पे सारा टोटल। थैंक यू।